आदरणीय दर्शक वृंद नमस्कार, अपन विशेष कार्यक्रम में स्वागत करै छी। आइ हम सब अखनका समसामयिक राजनीतिक विषय में परामर्श बात विमर्श कर जा रहल छी। विशेष क के अखनका पिछला बात कयल जाय त दोसर चरण के चुनाव होवे जा रहल छै जेठ 31 गते। अइ सब पहिने संविधान संशोधन होवे के चाही, स्थानीय तह के संख्या बढ़ाओल जेबाक चाही, सहित के मांग मधेशकिनी दल सब राखैत आयल अछि। एहिके लेल प्रयासो भऽ रहल छै। आब की केना प्रयास भऽ रहल छै, मधेश केंद्रीय दल सब आब केना के आगा बढ़तै, तऽ एहिके लेल आइ हम सब स्टूडियो में बजौने छियै राजपा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बृखेश चंद्र लाल के। लाल जी, कार्यक्रम में स्वागत अछि। जेठ के 31 गते चुनाव छै दोसर चरण के, ओहिसँ पहिने अहाँ सब चाहै छियै कि संविधान संशोधन भऽ जाय, स्थानीय तह के संख्या बढ़ि जाय, से सब चाहि रहल छै, प्रयासो भऽ रहल छै। पिछला बात सब की छै, प्रयास केहन रूपसँ आगा बढ़ि रहल छै, अहाँ सब की अपेक्षा रखने छियै कि वास्तवमे ई काज भऽ जेतै? नहि, अखन तक तऽ नहि भेलैय, परिणाम तऽ नहि एलैय। हमरा सब तऽ शुरुएसँ देश में जे संविधान छै, जबरदस्ती लादल संविधान छै, संविधान सभा से संविधान के अर्थ जे देश के जनता के संविधान होबक चाही, और ई विश्वव्यापी मान्यता छै जे देश के संविधान देश के संपूर्ण जनता क्षेत्रीय हिसाब से, राष्ट्रीयता के हिसाब से, समुदाय के हिसाब से संपूर्ण जनता के साझा दस्तावेज होबक चाही, तब ओ देश के मूल कानून बनि सकैए। लेकिन जे संविधान एहि देश में जारी कयल गेलै, ओ संविधान संविधान सभा के माध्यम से संविधान के जे मर्म छै तकर ठीक विपरीत, तीन दलीय एकटा बंद कोठरी में तीन दलीय 16 सूत्री समझौता के तहत ई संविधान आयल छै। तऽ सबसे पहिल बात जे ई संविधान में हमरा सबके ओनरशिप, हमरा सबके अपनत्व एहिमे नहि अछि। और दोसर बात जे हमरा सब शुरूसँ मांग करैत आबि रहल छियै जे एहि संविधान में जे प्रावधान सब छै, ओ प्रावधान सब मधेशी, आदिवासी, जनजाति, दलित या जेकरा शिल्पी कहै छियै हमसब, मुस्लिम समुदाय के पहचान के नहि मानै छै, अस्तित्व के नहि मानै छै, जनसंख्या के हिसाब से जे राज्य में समानुपातिक समावेशिता होबक चाही तकरा अंगीकार पूर्णतया नहि कयने छै, और जनसंख्या के हिसाब से राजनीतिक निर्वाचित संस्था सब में, संसद में, राष्ट्रीय सभा में जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व होबक चाही, से बात एहिमे नहि आयल छै। अपन भूमि पर स्वशासन के अधिकार जे संहिता के मर्म होइ छै तकरा एहिमे पालन नहि कयल गेल छै। तऽ जा धरि एहि संविधान के परिमार्जन नहि कयल जायत, पहिले तऽ ई कहल गेलै जा धरि एहि संविधान के पुनर्लेखन नहि होत, फिर से लिखल नहि जायत, एकर परिमार्जन नहि कयल जायत, और परिमार्जन के लेल एहिमे संशोधन नहि हेतै ता धरि एहि संविधान के हमसब स्वीकार नहि करब। तऽ हमरा सबके पोजिशन, हमरा सबके कहियौ जे अरान एहिठाम अइ, ओकरा तऽ हमसब ई बुझै छियै जे बहुत महत्वपूर्ण बात छै कि जा धरि एहि संविधान के मे जे विभेदपूर्ण अवस्था सब छै, मधेशी के, आदिवासी, जनजाति और सीमांतकृत सब समुदाय के विभेद में रह के अवस्था छै, तकरा कम से कम निकास के रास्ता जब तक नहीं खुले छै तब तक एहि संविधान के हमसब रास्ता के जे टाइम कहल जाय तो सीमा कहल जाय तो जेठ 31 से पहिने नहीं, ई तो हिनका सबके बनायल सीमा छन। हमरा सबके तो सीमा एक अथी, जावत तक अहाँ संशोधन नहीं करबै तावत तक इस संविधाने के हम सब स्वीकार नहीं करै छी। चुनाव में नहीं जेबै? चुनाव में मात्र नहीं, इस संविधानिक कोनो प्रक्रिया में हम सब सहभागी नहीं होब, एकरा अवरोध करब, इस संविधान के असफल करब, इस संविधान के नहीं मानब। हाँ, अगर इस संविधान में संशोधन कर हमरा सबके जे जायज बात है ते एजेंडा के जब अहाँ संबोधन करबै संविधान हमरा सबके लिए स्वीकार्य बनत, संशोधन प्रक्रिया शुरू होत। संशोधन के बात कयल जाय तो बैसाख 17 गते के समय देल गेल छलै, बहुत दिन नै भेलै, ताहिके बाद अहाँके 19 गते, 20 गते, 24 गते, ओनाहिते के अहाँके बैठक सब स्थगित होइत गेलै, ताहिके बाद जेठ 4 गते, बहुत दिन तऽ ओहो बीच मे तऽ प्रधानमंत्री अहाँ सबके आश्वासन देने छलै
कि जेठ के 4 गते कहूँ तो करा देवे ओना तो 24 गते हो वाला छे नहीं भेले 17 गते हो वाला छे नहीं भेले तो ई जे श्रृंखला जे चल रहल छे तो ओकरा अहाँ सब कोन रूप में लड़ल छी अहाँ सब के आश्वासन भेटैया लेकिन वो आश्वासन पूरा नहीं भ रहल छे है सरकार के विश्वसनीयते नहीं छे ने ते द्वारा से संविधान के हमसे स्वीकार नहीं कर रहल छी ने सरकार के सरकार खाली हम करब अखन के सरकार पहले का सरकार तो हम करबे नहीं करब अखन जो प्रतिपक्ष में छै से तो करबे नहीं करब आश्वासन नहीं दे छल हां हम करबे नहीं करब बातचीत 36 बेर बातचीत कल के लेकिन कहियो ओकरा ओ स्वीकार नहीं कल के हम करबे नहीं करब अखन के सरकार जे हम करब लेकिन कोनी डाल छै तो कोनी रहल छै पहिलका सरकार में अखन का सरकार में की भिन्नता रहले त पहिलका सरकार में अखन के सरकार सब भिन्नता ई अले जे पहिले एकटा बंद कोठरी में तीन दल के निर्णय से जे संविधान जारी कयल गेल रहे तेकरा 90% के संविधान कहल के अखन के स्थिति में फरक आयल है जे ई संविधान के विपक्ष में ई संविधान में संशोधन करे के लेल औपचारिक रूप से कम से कम 65% जे छै से अखन संसद में दर्ता कर चुकल छै जेना कांग्रेस और माओवादी कहने छै और जे जे सब ओहिमे सिग्नेचर कहने छै या जे ओकरा पक्ष में ठाड़ भेलै संविधान के संशोधन के पक्ष में तो इस संविधान के विरुद्ध में 65% वह संसद जो पहले संविधान सभा रहे से अखन ठाड़ छै दू तिहाई बहुमत यानी कि 66% से 1% मात्र आके अखन घटि रहल छै ई परिवर्तन छै ई स्थिति छै हम सब एकरा सफलता मानै छी जे संविधान हमरा सबके ऊपर में लादल गेल मधेसी के आदिवासी जनजाति के अलग थलग क के जबरदस्ती हमरा सबके ऊपर में विभेद पूर्ण प्रावधान के साथ जे संविधान के जारी कयल गेले मतलब अहाँ कहै छी कि अखनका सरकार है से ई जे संविधान से परिमार्जन हो के चाही से मन से आत्मसात कऽ लेलकै आत्मसात कऽ लेलकै लेकिन कारण नै कऽ रहल छै इहो सरकार हम तो ई कहब देखो हमर कनी फर्क विचार है हम तो ई कहब जे ई तीनों दल मिलकर संविधान के जबरदस्ती लटने छै लोक के ऊपर में और ई सब भीतर से एकरा संशोधन नै करय चाहै छै लेकिन हमरा सबके एते दिन के संघर्ष एते शहादत एते रक्त जे बहले है तकर एकटा उपलब्धि अखन तक ही देखे में आयल है जे कम से कम 65% के ई स्वीकार करे के अवस्था छै जे ई संविधान में बहुत त्रुटि छै और ई संविधान के संशोधन होबक चाहिए और मधेसी आदिवासी जनजाति के जे आंदोलन छै तै आंदोलन के मांग अनुसार संशोधन होबक चाहिए से बात के जे आप संशोधन केना के होते एक दिस सरकार चुनाव के तैयारी कर रहल छै तीव्र गति में कर रहल छै दोसर दिस एकर जे सीमा छै अहाँ सब कहने छी जाले तक संशोधन नहि होतै ताले तक चुनाव नहि जेबै आब कहल जाय तऽ संसद जे अधिवेशन चलै छलै ओहो अन्त भऽ कऽ आब तऽ बजट अधिवेशन शुरू भऽ गेलै तऽ एहिमे चर्चा होवला बाते नहि रहलै मतलब तऽ कोनो छाँटकाट नहि देखा रहल छै ने अहाँ सबके संविधान संविधान फेल भऽ जाउ चूँकि ई संविधान जनता के संविधान नहि छै ई सबके समेट कऽ ई संविधान जारी नहि भेल छै सबके सहमति से ई संविधान जारी नहि भेल छै ई सबके सजिया दस्तावेज नहि छै तो इस संविधान कार्यान्वयन नहीं हो हमारा सब तो से चाहे छी संविधान कार्यान्वयन नहीं सहभागी नहीं भक ई चीज अहाँ सब देखेबे बिल्कुल हमरा सब सहभागी नहीं होबे के अर्थ यह छे इस संविधान जारी करे के लायक कार्यान्वयन करे के लायक नहीं छे ते द्वारा से इस संविधान में यदि ओकरा लायक बनाल जाय छे तो ठीक छे स्वीकार्य हेते अगर लायक नहीं बनाल जाय छे तो इस संविधान फेल भ जाओ असफल भ जाओ जनता फिर से दोसर संविधान बनते लेकिन कोनो संविधान एक कागज के पुस्तिका ककरो द्वारा जारी भ जाए और वैसे मान लिया मधेसी जनता आदिवासी जनजाति के विभेद में रह पड़े ओकर अधिकार के कुंठित कर पड़े तो ओहि चीज के जनता स्वीकार नहीं करते अधिकार से समझौता नहीं भ सके तरह बड़का समस्या नहीं है संविधान कार्यान्वयन भले कि नहीं भले से बड़का समस्या नहीं है बड़का समस्या ई है जकर समाधान होबक चाहिए जे इस देश में बराबरी स्थापित होबक चाहिए मधेसी जनता समान स्तर पर आवे मधेसी जनता के जनसंख्या के हिसाब से ओकर सहभागिता ओकर प्रतिनिधित्व भेटे से सबसे महत्वपूर्ण बात जी तो आई बीच के दबाव के बात कहल जाए तो मधेस के दल के दबाव केहन रहले जना कि बैसाख 17 के बात छले तो 17 में सरकार के कहल जाए तो सरकार सत्तारूढ़ दल सबके एकटा प्रतिक्रिया ई अलै कि
रापरपा के कि सांसद सब मतलब अनुपस्थित भ गेले, पारित होय के संभावना नहीं रहे, ते द्वारे मतलब आगा नहीं बढ़ल गेले से के एक प्रतिक्रिया एलै। आ दोसर एक आश्वासन बड़ बढ़िया भेटल छलै अहाँ के जेठ 4 गते, लेकिन जेठ 4 गते के बात कयल जाय तऽ एहि विषय मे चर्चो नहि भेलै अहाँ के संविधान संशोधन के। ओहिसँ पहिने कहै छलै संविधान संशोधन भऽ जेतै, प्रधानमंत्री आश्वासन देने छलथि, लेकिन ओहि दिन तऽ चर्चो नहि भेलै एहि विषय मे। तऽ अहाँ सबके जे हिसाबसँ दबाव देबऽ के चाही कि अहाँ सब एकटा आरोपी होय कि दबाव नहि दऽ रहल छी, हमरा सब पूरा दबाव मे छी, कहाँ भेलै ओहि दिन अहाँ के जेठ 4 गते के बात छै जी? एकटा दुखद बात छै जे पहिले संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा जाहिमे संघीय समाजवादी फोरम सहित मधेसी दल सब छै, संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा अखनो छै, और संघीय गठबंधन जाहिमे आके संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा आदिवासी जनजाति पार्टी सब छै, ओहि दुनू मे संघीय गठबंधन के तऽ संयोज के संघीय समाजवादी फोरम के अध्यक्ष, संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा में संयोजक कोनो कीटाणु भकर नहि, लेकिन आपसी सहमति सँ से ओकर संचालन होइ छलैए। एहि दुनू के बैठक मे बनाल रणनीति अनुसार जावत तक संविधान के संशोधन नहि होयत तावत तक हमसब निर्वाचन में भाग नहीं लेब, मात्र नहि निर्वाचन के कड़ा प्रतिरोध हमसब करब। अतः हिसाब से संघर्ष आगा बढ़ाओल गेलै, बहुत के अपन खून बहाव पड़लन, शहीद के शहादत देवे पड़लन, लेकिन दुखद बात की भेले जे जब 17 गते संविधान के संशोधन नहि होइ छै तखन संघीय समाजवादी फोरम के प्रथम चरण के निर्वाचन में भाग नहीं लेबक चाहिए। संघीय समाजवादी फोरम के भाग ला लेला के कारण से संशोधन के प्रस्ताव रापरपा के अनुपस्थिति व महाअभियोग तो एक नाटक चले, लेकिन दो चार दिन में वो क्लियर भ जेतै, लेकिन संशोधन के कि फोरम नेपाल चुनाव में गेला के कारण से जे संशोधन प्रस्ताव पारित करब में जत दबाव पड़क चाहिए वो दबाव में कमी आबि गेलै। हां एकदम सही बात छै, वास्तविक बात छै, और ओसा अखन दुखद बात नै त ओइ सब बेसी दबाव त जना अहाँ सब त 6टा दल मिलके एकटा भेल छै ने, दबाव त द सकै छी जना के 6टा मिलके एक ठाउँ भेल छै त अहाँ सब के दबाव किया ने काम कर रहल छै कि दबाव नै द रहल छै? बिल्कुल दबाव छै, अहाँ के जानकारी है जे राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल साफ स्पष्ट अपन अरान रखने की जावत तक संविधान संशोधन नहीं होत तावत तक निर्वाचन की प्रक्रिया के विरोध में हम सब उतरब, एमे हम सब अवरोध ठाड़ करब। अगर अहाँ सब दबाव दऽ रहल छी तो ऊ देखा कहाँ रहल छै? जना कि 17 गते त एकटा छलै ने माहौल त बनि गेल रहै कि हाँ एहि दिन से पारित होते, लेकिन किस कारणवश नहीं भेलै अपन ठाउँ में छै, लेकिन जेठ 4 गते नहीं भेलै, बातें चित नहीं भेलै, आ ओहिके बाद कयल जाय तऽ संसद अधिवेशन अहाँ के स्थगित क देल गेलै, आ बजट अधिवेशन शुरू भ गेलै। तऽ अगर अहाँ सब दबाव देतिए तऽ भ सकै छलै बजट के बाद अखन नहि अयतिए, संसद अधिवेशन अहाँ के अंत नहि होइतिए? बजट या अधिवेशन हमरा सब हमरा सब कंसर्न के विषय नहि, हमरा सब कंसर्न के विषय संविधान में संशोधन हुआ के चाहिए और भद्र सहमति लिखित सहमति न नहीं, लेकिन कांग्रेस माओवादी रापरपा और राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल संघीय समाजवादी फोरम के बीच में से भद्र सहमति भेल छलै कि 17 गते संविधान के संशोधन करब और हम सब आगा बढ़ाब तावत तक अहाँ नहीं तो वही दिन नहीं भेले तो वही सा आगाड़ी नहीं बढ़ती है। सुनू ना आप बढ़ रहल छी तो 17 गते हम सब संशोधन करब तकर बाद निर्वाचन के प्रक्रिया हम सब आगा बढ़ाब और इ प्रस्ताव के जब हम सब आगा बढ़बै छी तो अहाँ सब आंदोलन के तत्काल के लेल स्थगित करू, और वो सब आगा बढ़ेलन हम सब आंदोलन के तत्काल के लेल स्थगित के लिए 17 गते नहीं पास भेलै 4 गते करब, और आइयो प्रधानमंत्री से राष्ट्रीय जनता पार्टी के जैसे से भेंटघाट भेल छलै, राष्ट्रीय जनता पार्टी साफ साफ स्पष्ट कहलकै जे यदि संविधान के संशोधन अहाँ नहीं कर जा रहल छी तो हम सब आंदोलन के स्थगित आंदोलन के पूर्ण निरंतरता प्रदान करब, और हम ई कह सकै छी जे संभवतः काल्हि तो नहीं लेकिन परसू राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल और संघीय गठबंधन नया कार्यक्रम जनता के सामने प्रस्तुत करते। जना इहो खबर आइब रहल छै कि अहाँ सब आंदोलन के तैयारी कर रहल छी जी, ई खबर सही छै? बिल्कुल एकदम सही छै, स्पष्ट छै, एमे नुकाबे छै बाबू के बात नहीं छै, और संभवतः आंदोलन के कार्यक्रम परसु संघीय गठबंधन और राष्ट्रीय जनता पार्टी के बैठक भ के ओ आंदोलन के कार्यक्रम परसु अहाँ के
मतलब एक दू दिन के समय दौ रहा है सरकार के कुछ करो सरकार के समय देवे से बात कथी से आइए कह दिल्कि सब कोई स्पष्ट कर दिल्कि जावत तक संविधान के संशोधन नहीं होत स्थानीय तह के संख्या जनसंख्या के हिसाब से नहीं बढ़ाल जात और जो मुद्दा फिरता करे के बात अहाँ कहने से वास्तविक रूप में मुद्दा फिरता नहीं भ जते तो हमरा सब आंदोलन के घोषणा करब और प्रधानमंत्री हमारा जो खबर भेटल हम ए बारे में निश्चित तो नहीं लेकिन प्रधानमंत्री एक दिन रुकू कहलखिन और इमर गृह कार्य सब भ रहा है ते दुआरे से संभवतः काल तक तो नहीं लेकिन परसू अहाँ के आंदोलन के कार्यक्रम सार्वजनिक भ सक अगर अहाँ सब जना आंदोलन के तैयारी कर रहा छे आ भ सकैया कि सरकार आप किछ आंदोलन कर रहा तो आप कुछ करे पड़ते सीखे के अगर सरकार फिर जो संशोधन के तैयारी करे तो बजट अधिवेशन शुरू हो गए तो आप केना के भ सकैया केना के मिल सके बात मतलब ये हुनका सबके समस्या छन समय नहीं मिल रहा छन या बजट अल या फलाना अल हमरा सबके एकटा कंसर्न के विषय हमरा मधेसी के केना तो करब जे अहाँ संविधान संशोधन करब तखने ई संविधान स्वीकार होत हमरा सब संविधान संशोधन करब तो हम निर्वाचन में भाग लेब या नहीं लेब यो बात हमरा सब कंसर्न के विषय नहीं है अहाँ संविधान संशोधन करब हमरा सब के संविधान स्वीकार्य भ जात स्थिति रहते तो हम सब निर्वाचन में भाग लेब स्थिति नहीं रहते तो निर्वाचन में भाग नहीं लेब हमरा सब सत्ता या निर्वाचन में भाग लेकर कोनो पोजीशन पर जाए से हमरा सब कंसर्न के विषय नहीं हमरा सब कंसर्न के विषय संविधान संशोधन होबक चाहिए समय नहीं मिले संख्या नहीं मिले हमर मान तो अहाँ के सरकार से मात्र नहीं है ना वो अहाँ के विषय है आप दोसर बात जे अहाँ सबके एकटा स्थानीय तह के संख्या बढ़ावा वाला बात आ पिछला समय में देखल जाए तो संविधान संशोधन से कतौ न कतौ बेसी चर्चा स्थानीय तह के संख्या के बारे आबि रहल छै तो कतौ कतौ लगै छै कि कहीं संविधान संशोधन दोसर प्राथमिकता में तो नहीं पड़ गेलै सेहो कतौ आभास भ रहल छै तो अहाँ सबके मुख्य प्राथमिकता में की छै मुख्य प्राथमिकता संविधान संशोधन तकर बाद स्थानीय तह के संख्या स्थानीय तह के संख्या के बारे में हमरा सबके स्पष्ट धारणा है जो मधेश में 52% जनसंख्या छे विविध जनसंख्या छे मधेश में मधेशी पहाड़ी थारू आदिवासी जनजाति मुस्लिम दलित सब छे सब मिलाकर 52% छे तो 52% के आसपास एठाम स्थानीय निकाय होना चाहिए कतला तो नेपाल में अहाँ के चलन कथी छे जे गाविसलाई प्रत्येक गाविसलाई 1 करोड़ प्रत्येक गाविसलाई 2 करोड़ तो हम 52% जनसंख्या के छी सबसे बेसी रेवेन्यू राजस्व हम अहाँ के दे छी लेकिन हमरा ओहिठाम विकास के बेसी संभावना है हमर भूमि जे है से अन्न के बास्केट है हम ओहिठाम उपजा करे के लिए सामर्थ्य छी लेकिन हमरा ओहिठाम लगानी जे छै से अहाँ हमरा ओहिठाम कम स्थानीय तह बना कर आ तकर बाद जे छै से अहाँ कम पैसा देबै हमरा अखन अहाँ सब कतेक हिसाब किताब केने छी जेनाकि 52% कहि रहल छी 51.something 52% कहि रहल छी कि स्थानीय तह के संख्या ओहि अनुसार हुअके चाही मतलब ओते जनसंख्या है ते अनुसार हुअके चाही अखन के जे आंकड़ा छै ते अनुसार जे 744 में कते देने छै अखन कतेक प्रतिशत अखन 30% से बेसी नहीं छै और करीब करीब 20% और चाहिए हाँ सबके हमारे संख्या बढ़ावा 52% के हाराहारी में चाहिए दूसर बात जे एकटा गावी सके अगर जनसंख्या छै ओहि में दूटा गावी सब बन सके छै तो दूटा गावी सब ओकरा बनाएल जाए ओसे कहते बजट के फॉलो बेसी होगा जब अहाँ स्थानीय तह के स्वास्थ्य संबंधी सेवा देवे के लिए अहाँ कहै छियै ओकरा शिक्षा संबंधी सेवा देवे के लिए कहै छियै तो अहाँ अगर मधेश में बजट कम दी छियै बड़का बड़का गावी सब बना कर अहाँ बजट कम दी छियै तो ओ तो शिक्षा के क्षेत्र में विकास नहीं कर सकते ना वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास नहीं कर सकते ना वो सड़क बनाबे के बात नहीं कर सकते ना वो खाने पानी अहाँ के जनता के तो नहीं देवा सकते ना वो तो अन्याय प्रस्ताव अन्याय के कारण से अखन
मधेश के जते जिला छे से मानवीय विकास के सूचकांक में सबसे नीचा छे, जबकि सबसे बेसी अहिठमा अहाँ के राजस्व बुझाएल जाइए। अहिठाम के आदमी अहिठाम काज नहीं पाबि क लाखों लाख के संख्या में कतार में मलेशिया में दुबई में सऊदी अरबिया में जाकर अहाँ के गुलामी सन के जीवन व्यतीत कऽ अहिठाम से पैसा पठा कऽ अहिठाम गुजारा चलि रहल छै, और तकरा हम विकास नहीं होबऽ देबे के लेल जान बुझि कऽ ई तऽ मापदंडे गलत छै ना जी। जेना कि पिछला समय में बात कयल जाए तऽ मंत्री परिषद उप प्रधानमंत्री विजय कुमार गजदार के नेतृत्व में एक कार्यदल एक सुझाव समिति कहे या अध्ययन समिति कहे कि कते संख्या बढ़ाल जा सके एक कार्यदल बनाओल गए, ओहो अपन प्रतिवेदन तो नहीं बुझने से प्रस्ताव तैयार कने से कि 15 स्थानीय तो बढ़ा दे, तक बाद 2 महानगरपालिका विराटनगर वीरगंज, तो ई प्रस्ताव जो अखन तैयार भेले से केहन लागल अहाँके? अखन तो बाहरे नहीं आयल, बाहर नहीं आयल से मतलब हाँ बुझौने नहीं छे और अखन तक जे निश्चित रूप से ई तो कार्यदल छे ना प्रस्ताव केहन प्रस्ताव ल जाय छे फिर कैबिनेट की प्रस्ताव पास करी छे विजय गजदारी जी के सुझाव मांगने सुझाव पेश करते हां सुझाव पेश करते कैबिनेट आगे की निर्णय करी छे। फिर ए में देखियो नाटक नौटंकी शुरू भ गेले कि निर्वाचन आयोग जे छे जेना आई खबर सब ले ऑनलाइन में जे निर्वाचन आयोग कहे छे जे ई संभव नहीं छे अब निर्वाचन आयोग के लिए अखन मतलब जे संख्या बढ़ायल जाए। तक बाद हमरा सबके यो जानकारी आयल जे एम आले कहे छे जे मधेश में अगर स्थानीय तय के संख्या बढ़ेबे तो हम कोर्ट में जाए, हम संसद के रोकब, हम अहाँ के एक कार्यान्वयन नहीं होबे देब। आप विचार करू हम जनसंख्या के हिसाब से हमरा स्थानीय तह चाहिए, हमरा मधेश में मधेश प्रदेश चाहिए, थरुहट में थरुहट प्रदेश चाहिए, तै से एमाले के साथी सबके छाती कथला फूटे छे। अवरोध हुनका सबके अवरोध अन्यायपूर्ण छन, अत्याचारपूर्ण छन, हमरा सबके अवरोध हमरा सबके जो मांगे से न्यायपूर्ण मांगे, और ते दुआरे से हमरा सबके संघर्ष करब पड़ रहा है। अब जे ठीक 31 गते चुनाव छे, सरकार अगर चाहबो करे छे बढ़ावी तो केना के बढ़ेते, केना के अगर व्यवस्थापन हेते, अहाँ के समय सीमा के बात कैल जेते केना भ सके संभव छे? समय सीमा हमरा सबके समस्या नहीं है, सरकार के छे, सरकार के आईए नहीं उठले है नहीं बात, अही बात के लिए संघर्ष भ रहल छे। जहिया से संविधान के मसौदा जारी भेले जनकपुर से संघर्ष शुरू भेले व्यापार संघ पूरा मधेश में आके फैल ले, अखन तक 100 से बेसी मधेशी के अपन प्राण के आहुति देवे पड़ल छे, हजारों आदमी घायल भ क और सैकड़ों आदमी अपांग भ क आके ई आंदोलन के आगा बढ़ा रहल छे, हजारों कार्यकर्ता आके अपन खून बहल के लाठी से गोली से अश्रु गैस से, जनता 12 दिन में गर्मी महीना में झापा से कंचनपुर तक 2300 किलोमीटर में हाथ जोड़ कर एना के थार रहले। ये तो आई के बात नहीं है ना, अहाँ समय नहीं मैनेज कर लो तो ये अहाँ के समस्या है, समय मैनेज अहाँ के करे के चाहिए, लेकिन जाधर संविधान संशोधन नहीं हाथ तावधर इस समस्या के समाधान जी। अहाँ संगे बातचीत के क्रम जारी रखब, तो दर्शक वृंद अखन एक छोटका ब्रेक लड़ल छी, ब्रेक के बाद फिर हम सब बातचीत के निरंतरता देवे करब। दर्शक वृंद ब्रेक के बाद कार्यक्रम में स्वागत करै छी। आइ हम सब अखनका
पछिला समसामयिक राजनीतिक विषयमे बातचीत कऽ रहल छी। विशेष कऽ कऽ संविधान संशोधन स्थानीय तहके संख्या बढ़बामे की सब बात भऽ रहल छै, सरकार केना आगाँ बढ़ि रहल छै, मधेशगिरी दल सब केना कऽ दबाव दऽ रहल छै, इहे विषय सबमे हमसब बात कऽ रहल छी। आइ हमरा सबके सङ्ग छै स्टूडियोमे राष्ट्रीय जनता पार्टीके वरिष्ठ उपाध्यक्ष बृखेश चन्द्र लाल। तलाल जी, जेनाकि मधेशगिरी दलके बात कयल जाय, राजपाके बात कयल जाय, सङ्गे गठबन्धनके बात कयल जाय, फोरो नेपालके बात कयल जाय, तऽ हुनका सबसँ मात्र सम्बन्धित बात तऽ नहि छै, ई तऽ अहाँके काङ्ग्रेसोके जे मधेसी सांसद छै, एमालेके छै, माओवादीके छै, तऽ ओ सब कते सहयोग कऽ रहल छै अहाँ सबके बात मे, जे कि हँ स्थानीय तहके संख्या बढ़ाओल जेतै? ओ सब हर बातमे सहमत छथि चायके दोकानमे, लेकिन जतऽ कागजमे नहि छै, निर्णयके स्थल छै, जतऽ हुनका सबके निर्णायक भूमिका खेलक चाही, तते हमरा अपना अनुभवसँ हमरा ई अइ जे बड़ेसँ बड़े पद पर रहवला आदमी मधेसी जनताके सामनेमे मधेसी जनताके बात तऽ करै छथिन, लेकिन जतऽ ओ निर्णय करऽ सकै छथि, जतऽ हुनकर प्रभावकारिता छनि, ततऽ ओ गैर मधेसी नेतृत्वके पाछा चलि रहल छथि। नहि तऽ एमालेके एकटा बात आयल रहै ने एहिसँ पहिले, जहिया अहाँके 11 जिलामे स्थानीय तहके संख्या बढ़ाबैके परिपत्र जारी कयल गेलै, तऽ ओना तऽ फिरता लऽ लेल गेलै बादमे एमाले दबाव देलकै, तऽ लेकिन एमालेके ई कथन छलै कि 19 जिलामे बढ़ाओल जाए, चितवनमे तऽ चुनाव भइए गेलै, 19 जिला जब बढ़बैके तऽ सबमे बढ़ाओ, 11 केला बढ़ेबै, तऽ एमाले सेहो सकारात्मक तऽ अजय देखाइ छै। 19 जिलाके बात हमहीसब कहने रहिए, हम कहलहुँ ने अहाँके ठुआ ठेकानके नहि मानबके तऽ कहलिए 11, हमहूँसब कहने रहिए जे 19 तराइके 19 अहाँके बढ़ाबऽ पड़लै ने, दू नम्बर प्रदेशमे या मानि लिअ कोनो खास प्रदेशमे बढ़लासँ तऽ 11 जिलामे बढ़लासँ तऽ नहि पहुँचतै ने अहाँके 52%। ताहि दुआरेसँ झापा मोरङ्ग सुनसरीमे सेहो बढ़ैके चाही, नवलपरासीसँ लऽ कऽ कञ्चनपुर तकके जिलामे सेहो बढ़ैके चाही। आओर एमाले कहलकै जे 19 बढ़ैके चाही, मने एमाले सेहो वएह बात कहलकै, तऽ जब तहिया मानि गेलै आब फेर कहै नहि होतै से कहै छी अहाँ एमालेके स्वागत केलिए, आओर स्वागत कयलाके बादमे परिपत्र भेलै, आओर तकर बाद एमालेके दबावमे अगर पाछा हटै छै तऽ ई राज्यके नियन्त्रण एमालेके द्वारा भऽ रहल छै, एकर मतलब राज्यके मशीनरीपर एमालेके नियन्त्रण भऽ गेल छै, ई तऽ आओर बहुत बहुत मतलब अहाँके सङ्कटपूर्ण अवस्था भेलै ने, एहि देशके जोड़ैके अवस्था नहि भेलै ने, मधेसी आओर काठमाण्डूके बीचमे, मधेसी आओर राज्यके बीचमे जे दूरी छै ताहि दूरीके कम करैके बात नहि भेलै ने, एकर तऽ तोड़ैके बात भेलै ने, जे अहाँ अलग छी हम अलग छी, अहाँके शोषण हम करबे करब, हमरा इहो मंजूर नहि, हमरा इहो मंजूर नहि, हमरा इहो मंजूर नहि, एहिके लेल मधेसीके सामनेमे विकल्प की छै? जी, आब एकर निचोड़मे कहल जाय, जेनाकि एकटा की छै कि जेठ 31 पहिले संविधान संशोधन स्थानीय तहके संख्या, ई दुनू काज मुख्य प्राथमिकतामे छै, ई दुनू काज भऽ जेतै तऽ अहाँसब देश मतलब जेठ 31 अहाँसब चुनावमे सहभागी होबै। आ दोसर एकटा इहो बात आबि रहल छै कि अखन स्थानीय तहके संख्या बढ़ाओल जाय, लेकिन संविधान संशोधन तत्काल किछु प्राविधिक कारणसँ होइ या समय अभावके कारणसँ होइ, अगर नहि हुअके अवस्था हइ तऽ एहिमे किछु ठोस एकटा सहमति जुटायल जाय, एकटा समझौता कयल जाय, सेहो एकटा बात आबि रहल छै, किछु अहीँके पार्टी सबके नेतासब इहो बात कतहु कतहु बाजि रहल छै, तऽ ई दुनू लाइनमे कोन अखनका ई राजपाके लाइन वास्तवमे की छै? बिना संविधान संशोधन निर्वाचन नहि करायल जाय, चुनावमे नहि जेबै, यदि चुनाव हम पहिले कहलहुँ चुनावमे जेनाइ आ नहि जेनाइ हमरा सबके कंसर्नके विषय नहि अइ, हमसब चुनावमे जेबै नहि जेबै ताहि बातके हुनका सबके चिन्ता कथी छनि, हमसब एहि संविधानके स्वीकार कर लेबै तऽ ई चुनाव सम्भव भऽ जेतै, चुनाव हेतै, हमसब भाग लेबै आ नहि लेबै ओ हमरा सबके जगह पर अइ, अहाँसब चुनाव कराउ, हमरा सबके स्थिति रहत तऽ भाग लेब, नहि रहत तऽ नहि लेब, लेकिन अहाँ सबके चुनाव तखन कराबऽ देब यदि अहाँ संविधानमे संशोधन करै छियै, अहाँके मतलब चुनावके भाड़ाके अवस्था सेहो आबि सकैए? बिल्कुल, हमसब भाड़ैके कोशिश करबै अपन ताकत, बहिष्कार मात्र नहि चुनावके भाड़बै, बिल्कुल भाड़ैके प्रयास करबै, हमरा कोनो संधि समझौता कऽ कऽ
संविधान संशोधन चुनाव के बादो भ सके तेहन किसिम के कोनो समझौता हम नहीं कर जा रहल छी। चुनाव के बाद त संविधान संशोधन फांसी पर लटक जेते संभव नहीं छै। संभव नहीं छै, संभव नहीं छै, मतलब अइमे शंका नहीं कयल जाय। ऊपर ऊपर जाही नहीं चाहिए हमरा सब के प्राविधिक कारण छै। अहाँ अगर अखन नहीं कर सकै छी त अहाँ सारा निर्वाचन के स्थगित कर दियौ। अखन जे निर्वाचन भेल तकरा कनि दिन के लेल अहाँ ओकरा स्थगन में राखू। तकर बाद जो अहाँ संविधान संशोधन करी छी ज्येष्ठ में तो अषाढ़ में चुनाव कराओ, सावने में वर्षे में चुनाव कराओ। हमरा विषय के हमरा सब कंसर्न के विषय नहीं है। भादो में कराओ, आश्विन में कराओ, कार्तिक में कराओ, लेकिन संविधान का संशोधन अहाँ के करे पड़त। मधेशी जनता के लेल यह चीज आवश्यक है और हमरा हम अहाँ के विश्वास दे आवश्यक छी जे राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल अइ लाइन पर मधेशी जनता के मतलब कोनो किसिम के समझौता क के अहाँ सब चुनाव में नहीं जाए। अखन तक तो समझौते कर दलो है ना, हमसे तो मतमार्ग पर चल दलो है ना, लेकिन जखन अहाँ एहन समय पर पहुँचा दिलिए अगर निर्वाचन होइ छै और निर्वाचन में अगर मधेशी दल भाग ले लै छै तो अइ देश में संविधान संशोधन अहाँ के अखन फिलहाल दूर दूर तक देखाई नहीं पड़े छै। फिर मधेशी धियापुता के शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सारा चीज में अहाँ के जैसे और पाछा उघर सकते और विदेश जा जा कर काम करे पड़ते। अठमा जवान हो तब विदेश जते, बच्चा में तो नहीं जा सके। जवान हेतु ब्याह कक परिवार आ धियापुता सबके अठाम छोड़ कर बूढ़ माँ बाप के छोड़ कर विदेश में काम करे के स्थिति हेतु। वही चीज के परिवर्तन करे के लिए मधेशी जनता के अ दिशा में अखन जना कदम बढ़ने छे, अ कदम के बहुते प्रतिबद्धता के साथ एकरा आगा राख पड़ते। और अगर मान लिया अहाँ के कोई अपना संग राखी नहीं चाहिए, काठमांडू आ मधेश के दूरी बढ़ावे चाहे छे, तो नहीं भाई हम तोरे संग रहबो कहीं कहाँ अपन सारा अधिकार तो छोड़ नहीं सके छे। आब कह रहल छी अहाँ सब आंदोलन के सेहो तैयारी कर रहल छी, उ संभावना सेहो छै। त आंदोलन के कर रहल छै? राजपा कर रहल छै, संघीय गठबंधन कर रहल छै, मधेशी मोर्चा कर रहल छै, के कर रहल छै आंदोलन तैयारी के कर रहल छै? राजपा एकर नेतृत्व करते और संघीय गठबंधन मतलब फोरम नेपाल सेहो छै। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल त निर्वाचन में जाब कहि कहि देलखिन ओ सब अखने कहि रहल छै लोकतंत्र के रक्षा करा के लेल से निर्वाचन में जाब। हमरा समझ में ई बात नहीं आबि रहल है। ताई के मतलब आंदोलन जे होते में फोरो नेपाल नहीं रहते से ने भेल एकर मतलब? कहला कि फोरो नेपाल त कह रहल छी कि दोसर चरण के चुनाव में सेहो जेबे। हां, फोरम नेपाल के त जनकपुर में ई अभिव्यक्ति आयले है। हम सब मुदा अखनो प्रयास कर रहल छी जो ओ अपन गलत निर्णय के ठीक करत और जनता के साथ आगा बढ़त। तकर प्रयास में हम सब छी, तहु दुआरे से एक दू दिन लेट भ रहल छै। मतलब एक दू दिन में फोरो नेपाल सेहो भ सकैया आंदोलन के अइ लाइन में आबि जाय से अहाँ सब फोरम नेपाल के अधिकांश नेता अइ बात से संतुष्ट छथिन, चूंकि हमरा सबके जे जानकारी है फोरम नेपाल अपन केंद्रीय कार्य समिति के व कार्य संपादन के व संघीय गठबंधन के कोनो निर्णय नहीं कर कर सोझे ई निर्णय पर चल अल तैसे अधिकांश जनता अधिकांश नेता हुनकर असंतुष्ट हुनका समर्थन और गहन छलफल हुनका सबके अइ बात पर चल रहल छै। हम सब हृदय से स्वागत करे ला तैयार छी जे रास्ता पर जनता के साथ हम सब आंदोलन में छलहुँ हँ। अहूँ सब आउ और हम सब हाथ में हाथ मिलाकर अइ आंदोलन के आगा बढ़ाबी। तकर प्रयास में राष्ट्रीय जनता पार्टी के नेता सब अखनो लागल छथि। अब परिणाम आला के बाद पता चलत। फोरम नेपाल के नेता सब से बात आबि रहल छै कि राजपा सेहो चुनाव में जेतै। नहीं, ओ जै ढंग से कहलखिन हँ ई कनी हास्यास्पद लगी छे कि एकटा दोसर पार्टी के नेता कोनो पार्टी के बारे में ई कह देव जे ई पार्टी ई निर्णय करते तो यह बात कनी दिन पहले प्रधानमंत्री कहने छले जना कि चितवन में आके प्रधानमंत्री कहने छले कि राजपा सहित के सब पार्टी के चुनाव में नहीं। प्रधानमंत्री अगर ई कहि छथिन कि जे हमरा विश्वास है, मैं ल्याउ छु, मैं समेट छु, ओ एकटा भाषा भेलै। लेकिन जे तरह से काल्हिखन राजपा के बारे में संघीय समाजवादी फोरम के अध्यक्ष कहलखिन तैसे तो ई हिसाब बुझाई छे जना राजपा नेपाल जैसे से हुनका प्रवक्ता नियुक्त कर देने होन या कार्यालय सचिव बना देने होन कोनो विज्ञप्ति जारी करे के या पत्रकार से भेंट कर राजपा नेपाल के तरफ से कोनो बात कह के बात करने होन। तो हमरा बुझाइए जो ओतेक
आदरणीय आदमी के एहन व्यवहार नहीं करे के चाहिए और ये बिल्कुल गलत कलखिन बहुत आपत्तिजनक बात है और हुनकर ई प्रवृत्ति साफ साफ देखबे छे जो दोसर के मामला में हस्तक्षेप करे के प्रवृत्ति अभी अपने में जे एकटा द्वंद्व भ रहल छे एक दिस अहाँ सब के संविधान संशोधन करेनाइ आवश्यक छे स्थानीय तक के संख्या बढ़ौनाइ आवश्यक छे जे मधेश के हक हित छे मधेश के समृद्धि के बात केनाइ तऽ आओर बाकी छे बहुत तऽ एक दिस अधिकार के बात भ रहल छे आंदोलन के बात भ रहल छे दोसर दिस मधेशी दल में से किसी के फूट कहल जाए तऽ फूटो नेपाल अपन किसिम से चल रहा है अहाँ सब अपन किसिम से जा रहा छी एकता के संभावना छे कि नहीं राष्ट्रीय जनता पार्टी के निर्माण होबे से पहले जे एकता के वार्ता सब लगभग डेढ़ बरस से ई जारी छले एहिमे समाजवादी फोरम से हमरा सब संपर्क नहीं के लिए वा बात नहीं भेल से बात नहीं छे लेकिन संघीय समाजवादी फोरम ई संविधान जारी करम में 16 सूत्री समझौता में प्रमुख भूमिका खेलनिहार बाबूराम भट्टराई संगे एकता के बात कलन ओ साफ साफ स्पष्ट कहलखिन जे हम नया शक्ति के साथ हम एकता के बात करब और अय एकता वार्ता में अहाँ सब हमरा कोनो रुचि नहीं ओ साफ स्पष्ट झलकलखिन जे अहाँ पिछला घटनाक्रम के अहाँ देखबे तब ते दुआरे से 6 पार्टी के बीच में एकता भेलै हमरा सब अखनो हृदय से स्वागत करबन अगर राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल में जे मॉडलिटी पर एकता भेल छे तै मॉडलिटी पर अगर संघीय समाजवादी फोरम शामिल होवे चाहे संघीय समाजवादी फोरम के अध्यक्ष जी शामिल हुआ चाहता तो हुनका सम्मान के साथ हुनकर जे स्थान छन से स्थान दकर राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल अपना में समाहित कलते हम सब एक दूसर में समाहित भ जाए लेकिन एक लेल तो हुनको इच्छा होना चाहिए ना जी अब हम सब अंत अंत में सोच रहे छी अंत में ये तीन बुदे सहमति जे भेल छले ना सब संगे तो पहिलका बुदा संविधान संशोधन के बात छले दोसर का बुदा छले शहीद घोषणा शहीद के बात सब छले मुद्दा फिरता के बात सब छले आ तेसर छले प्रधानमंत्री के वोट दिए वाला बात तो उ तो तहिए भ गेले तो अइ बीच में जते भी बैठक बैसले तो ओहिमे प्रत्यक्ष अपने सहभागी छी ओ बैठक सब में कि शहीद घोषणा के बात हुए मुद्दा फिरता के बात हुए तो की भ रहल छै जेना पिछला समय में कि टीकापुर के बात अलै टीकापुर के जे जघन्य अपराध सब है तो ओकर मुद्दा फिरता नहीं लिए वाला बात सेहो अलै प्रधानमंत्री के सचिवालय से ऐसा पहिने मंत्रिपरिषद के निर्णय भेल रहे कि गृह मंत्रालय के जेना कि निर्देशन देल गेलै कि प्रस्ताव तैयार करू तेहन किस्म के निर्देशन सेहो देल गेलै कि मुद्दा फिरता लिए वाला बात अहू में दू तीन किस्म के बात सब आबि रहल छै वास्तव में अखन तक ओ तीन बुदा में बात कयल जाए तो दू नंबर के जे बुदा रहे ने बहुत आंदोलनकारी तो अहाँ के घायल भेला अपन इलाज कराला ओ सरकार संग पेशो निकलखिन और आंदोलनकारी जो राजनीतिक दल सब छे ओकरो लग में से ओ निकालखिन हमरा इलाज कराओ लेकिन सख्त घायल सबके इलाज अहाँ के संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा मिलक करल के और वही घायल सबके उपचार में जे खर्च भेल छे से खर्च सरकार बहुत हद तक सख्त घायल सबके मात्र सबके लेल नहीं सख्त घायल सबके लेल से सरकार जैसे से अहाँ के दिलके जे संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा घायले सबके द दिलके वो अपन माने चूंकि मोर्चा करल के इलाज ते दुआ से ऊ पैसा मोर्चा ले लेब से नहीं मोर्चा करल के हम सब इलाज जते सकलू तते करलू अब अहाँ के सरकार जे पैसा इलाज के खर्च शुरू से अहाँ के दिलक वो अहाँ लिया और आगा से इलाज जैसे से अपन कराओ तो ये बहुत हद तक एक टा ई काम मात्र भेल छे शहीद सबके घोषणा किस्ता किस्ता में भेले अखनो कैटा शहीद जना ई मानव श्रृंखला के टाइम में मोहतरी में ठार भेल काल में जे अहाँ सब जे देले छी से कते छे टोटल शहीद के संख्या कते बुझल अखन 16 आदमी के शहीद घोषणा करे के बाकी छे हमरा सब के हिसाब से और मलेठ में जे हत्या भेले तकरा शहीद घोषणा कलखिन गृह मंत्री जी जाकर ओहिठाम घोषणा कलखिन जे कैबिनेट के निर्णय से भेला लेकिन 16 आदमी के अखनो अहाँ के बाकी छे और जहाँ तक मुद्दा फिरता करे के बात छे तो वही में सारा रिकॉर्ड बन गेल छे और हमरा जहाँ तक बुझल है जे
गृह मंत्रालय के पास में सारा रिकॉर्ड है और अखन कैबिनेट निर्णय कल के मुद्दा फिरता करो रिटो पर गेल छै विषय पर कि मुद्दा नै फिरता करो रिट पर छै तो उता होय छै ना आके माने बहुत जघन्य अपराध सब जी प्रहरी के बात कहल जाए तो प्रहरी के आईजीपी के मॉर्निंग वॉक करित काल में ओकर पत्नी सहित हत्या भेल छै उ जघन्य अपराध नै छै लेकिन वो राजनीतिक घटना रहे से कह के उ सारा मुद्दा आके जैसे से फिरता भेल छै लेकिन टीकापुर में के माथ में छाती में गोली मारल गेल से वाह हम कह रहल छी लेकिन टीकापुर में जे आ के घटना भेल तकरा ओ सब जघन्य अपराध कहि छथिन और टीकापुर के घटना के लेल दोषी केकरा ठहराने छथिन त सशस्त्र के डीआईजी जे ओठाम रहथिन तिनका सब विभागीय कार्रवाई करने छथिन निश्चित रूप से मधेसी आंदोलनकारी या थारू आंदोलनकारी के ओहिमे कोनो दोष नहीं छै जे बच्चा के मृत्यु भेल छै ओकरा शरीर से जे बुलेट प्राप्त भेल छै ओ आके पुलिस के सशस्त्र के बुलेट छै ओ रिपोर्ट आके बाहर नहीं आबि रहल छै तो ई सारा नाटक नौटंकी छै ई सारा बात और आहां कहबे के लिए कि जेकरा छाती में माथ में आके जे प्रदर्शन से बहुत दूर सुरक्षित जगह पर ठार आदमी के पकड़ के गोली मारल गेल छै अपना जनकपुर में नुकु यादव के जी तो आई की आई सब के लेल जना अपने से प्रयास के बात कयल जाय त जे आई घटना में संलग्न रहे जे माथ में छाती में गोली मारल के तो ओकरा सब के कार्रवाई के लेल अहा सब केन किसिम के प्रयास कर रहल छी अहा बना त दबाव दबाव दे रहल छी ओकरा लेल छानबीन आयोग गठन भेल छै मधेसी आंदोलन मधेस आंदोलन के क्रम में जे घटना सब भेल छै मधेस के थरवट के ते के लेल एकटा आयोग छै और उ आयोग के रिपोर्ट के हमरा सब प्रतीक्षा कर रहल छी और हमरा सब विश्वास रखने छी जे उ आयोग ए घटना सब के सही तथ्य आगा अनते और ओहि के लेल जे दोषी सब छै ते अधिकारी सब के सेहो इंगित करते और एकरा सब पर कार्रवाई होबक चाही से सिफारिश सरकार के करते लेकिन नेपाल में अखन तक आयोग के सिफारिश अनुसार ही कार्रवाई सब नहीं भेलै मल्लिक आयोग बनल रहे असंगठित नहीं भेलै 46 साल में बनल रहे फिर 63 साल के ओहे श्रृंखला अब नहीं हेते मतलब आयोग सिफारिश करते तो कारण करवला अहाँ सब प्रयास करबे बिल्कुल करबे हम सब और हम सब कोशिश करबे जे ई दंडहीनता आगा नहीं बढ़े जे आयोग की सिफारिश हेते ओहि सिफारिश के अनुसार कार्यवाही होबक जी बहुत बहुत धन्यवाद अपने का स्टूडियो में एलिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द ओछलैत बृखेश चंद्र लाल राष्ट्रीय जनता पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आइ हम सब बात करै छलिए संविधान संशोधन स्थानीय तक के संख्या बढ़ाव में की समस्या भ रहल छै मधेस किनी दल सब चुनाव में जेते कि नहीं जेते यह विषय सब में हम सब बात करै छलिए व्यस्त नमस्कार।